हाय फ्रेंड्स, आज महालया हम लोग कैसे मनाएं, आज का वीडियो उसी के ऊपर है। महालया के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये दिन मेनली पितृ लोगों का है। उनको खुश करने के लिए घर को साफ करके कपड़ा वपड़ा सब साफ किया जाता है, उनके मनपसंद का खाना बनाया जाता है, सब पितृ लोगों को अर्पण किया जाता है। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा सहित, यानी कि श्रद्धा से हम जो भी अर्पण करेंगे वो है श्राद्ध। इस दिन कौवा, कुत्ता और गाय को भी खिलाने का मान्यता है। कहते हैं कि इससे पूर्वज खुश होते हैं और हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज मैं क्या क्या बनाई हूँ दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, चावल चढ़ाई हूँ, बॉयल भी आ गया है। यहाँ मूंग की दाल चढ़ाई हूँ और यहाँ गुड़ और पानी मिला के बॉयल कर रही हूँ। इसको हम चाशनी बनाएंगे। हम लोगों के यहाँ उड़द दाल का बड़ा और खुद रोटी पितृ लोगों को दिया जाता है। खुद रोटी की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। ये खुद यानी कि छोटे छोटे चावल, ये बड़ा के लिए उड़द दाल पीस के रखी हूँ। इसमें नमक नहीं डालना है। देखिए, इसमें बॉयल भी आ गया है। इसको गाढ़ा सीरा नहीं बनाना है, बस चिपचिप करने तक इसको बॉयल करेंगे। यहाँ मैं मिक्स तरकारी और टमाटो खट्टा के लिए काट के रख दी हूँ। ये घी गरम कर दी हूँ। ये लावा को छाछ में डुबो के रख दी हूँ। तो एक बाउल में आधा खुद ले ली हूँ, इसमें गरम घी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। लावा को निचोड़ निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। इसमें लावा हम इतना ही डालेंगे जिसमें कि ये लड्डू बन जाए, एक बाइंडिंग आ जाना चाहिए। तो इस तरह से सारे लड्डू बना के छान लेंगे। इसको हम तुरंत नहीं पलटाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। एक तरफ से बढ़िया से ये लाल लाल हो जाएगा, तो फिर इसको पलटा पलटा के घुमा घुमा के फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया है, इसको हम चाशनी में डाल देंगे। यहाँ हमारा टमाटो भी हो गया है। ये मैं खीर को कुकर में बैठा दी थी ताकि ये जल्दी से हो जाए, तो ये खीर भी हो गया। ये मैं बड़ा भी छान ले रही हूँ, बहुत छोटा छोटा मत सोचिएगा, वैसे तो बड़ा बड़ा बनाती हूँ पर घी में छान रही हूँ इसलिए छोटा छोटा कर दी हूँ। ये जब एक साइड से अच्छे से पक जाएगा तो इसको पलटा के बढ़िया से कलर आने तक पका लेंगे। तो ये हमारा पक गया है, इसको छान लेते हैं। तो ये हमारा घी वाला बड़ा भी तैयार हो गया। प्राय सब कुछ बन गया है, बस मिक्स सब्जी ही बाकी है, ये भी 5 मिनट में हो जाएगा। यह मैं मटर को पहले से बॉयल करके रख दी थी, नहीं तो सब्जी पक जाएगा लेकिन मटर कच्चा रह जाएगा। देखिए, ये पूजा करने बैठ गए हैं। 3 पार्ट को हम लोगों का पूजा किया जाता है, जैसे पापा, दादा, परदादा। तो पहले चावल दाल, मतलब सांचा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, तो इसको पूजा कर लेते हैं। फिर दाल, चावल, खीर, मिठाई जो भी बनाए हैं उसको अर्पण किया जाता है। एक बार पूजा हो गया तो फिर ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा दे के फिर आप खा सकते हैं। तो आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। ये कटहल के पत्ते लाए थे पतहल बनाने के लिए, तो मैं ये बना रही थी। हम लोगों के यहाँ इसी में ही पूर्वजों को अर्पण करने की विधि है। ये पत्ता सब बहुत ही छोटा छोटा है, देखिए कितना सुंदर सा प्लेट बना है। आपको पसंद आया कि नहीं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ सांचा को पूजा करके थोड़ी देर छोड़ के हटा दिए हैं, फिर पतहल डाल दिए हैं। देखिए, स्टूल नहीं होने से आजकल बैठना मुश्किल हो गया है, तो यहाँ मैं सब निकाल दे रही हूँ। चावल, मूंग की दाल, टमाटो खट्टा, मिक्स वेज तरकारी, रायता,
खीर, खुद रोटी, बड़ा और लास्ट में थोड़ा सा घी दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ ऐसे ही बनता है, आप लोग क्या क्या बनाते हैं प्लीज़ बताइएगा। तो ये हमारा पूजा चल रहा है, छुट्टी तो आज मिला नहीं, बस 2 घंटा के लिए ये आए हुए हैं, पूजा करके फिर खाना वाना खा के फिर चले जाएंगे। ये देखिए छुटकी भी आ गई पूजा करने, दिया बत्ती देख के ये भी पूजा करने आ गई है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।